हनी सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है नींद का। मुझे रात को नींद बहुत कम आती है, तो ये काफी टाइम से है। तो जो डॉक्टर को मिला वो कह रहा मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन दे नहीं सकते हम। तो ये चीज, मेरी एज भी कम है आपको पता है, तो आप मुझे प्लीज सर कोई बता सकते हो? उस जो आप कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही जैसे, है ना, प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ जी, कितना हाँ टाइम जी। हो गया ये अप्रोक्सीमेट? मुझे हो गया नहीं है, बट 1 साल होने वाला है। नहीं, अच्छा, 1 साल से, मतलब कभी आई नहीं या आती है? आती भी है, ऐसे नहीं भी आती नहीं, आती भी है, पर कई बार क्या होता है जैसे जल्दी आँख खुल जाती है। अगर मैं जल्दी सो जाता हूँ, जैसे कंसिस्टेंटली नहीं आती, मतलब रेगुलर 8 घंटे की, तो कई बार अगर एक बार आँख खुल गई तो फिर उसके बाद बड़ा हार्ड होता है फिर सोने के लिए। ठीक है। तो ये चीज मुझे बड़ी, मतलब नींद की काफी दिक्कत है, तो उसकी वजह से काम भी नहीं हो पाता, फिर टायर्डनेस ओके रहती है। हाँ ओके। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी जब सर, नींद आपकी खुल जाती है तो आपके जो हाँ जी। विचार हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप सोचते हो, क्या चलता है उस समय? उस समय मैं सोचता तो कुछ नहीं, माइंड में थोड़ा सा मतलब भरा भरा रहता है, पर मैं कोशिश करता हूँ नींद लाने की, पर नींद नहीं आती। फिर मैं मोबाइल देखता हूँ तो बिजी कर, मतलब कुछ देखूंगा तो शायद नींद आ जाए, पर नहीं। मैंने हर चीज ट्राई की है तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, इसमें आपने उसको फॉलो करना है अच्छे से। ये ठीक है सर, आपने रेगुलर एक रूटीन, एक आपकी एक हैबिट में लेके आनी है ये बात बात जो मैं आज आपको ठीक है बताने सर, वाला ठीक हूँ। जितना है सर, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज बताया और कल आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक पॉसिबिलिटी हो है, सकती है कि आ जाए, वो एक अलग बात है। देखिए, किसी भी चीज को करने से पहले उसकी तैयारी करना, ये बात नोट करना आप, किसी भी चीज को करने से ओके, पहले उसकी तैयारी करना, मतलब कि हम सोने जा रहे हैं, हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हम हमारा उससे पहले के 2 घंटे या 1 घंटा कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है आप को अच्छी नींद ओके देने के लिए। ओके, सोने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले हमारा रूटीन कैसा है, कि हम किसी से झगड़ के सो रहे हैं या फोन में ओके, मतलब हाँ लगे हुए और फोन रखा साइड में और सो गए, नहीं, नींद के लिए तैयारी करना। ऐसा नहीं ओके, कि आपने 9 बजे सोना है और 15 मिनट पहले खाना खाया, 9 बजे आप बेड के ऊपर जाते हो, जैसे सोने का एक रूटीन है कि 9 बजे या 10 बजे जाए, तो 10 मिनट पहले खाना खाए और आप सोने के लिए चले गए, कहाँ से आएगी नींद? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को छोड़ के देखो, जिंदगी में सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको छोड़ दो, हाँ जी, उनकी मैं बिल्कुल, बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसका एक रीजन हो, हम उनको नहीं ले रहे आज, प्रॉब्लम्स को नहीं ले रहे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, वट एवर जो भी है, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं सोने की तैयारी को, एक अच्छी आदत को, ठीक है? हाँ कि जी, सोने से पहले आप अपने फोन को साइड रखो 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, या सोने से पहले मतलब एक तैयारी करो कि मैं जस्ट सोने जाऊंगा, सोने जा रहा हूँ, ब्रीथिंग लो, कुछ एक्सरसाइज करो, खाना 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले खाओ। वैसे तो मैं अगर मैं अपनी अगर अगर सॉरी आपको डिस्टर्ब करूं, अगर कई बार जैसे जॉब से आते हैं तो जल्दी खाकर सोना ही पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं कोई, तो ये भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी? देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें फिर हम अपनी हाँ जी सर, कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी ही पड़ेंगी हमें पहले बेसिक लेवल पे, ओके, कि अपने सोने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमें करनी ही पड़ेंगी, कि सोने के लिए आप तैयार हो रहे हो, कि आप अपने आप को कुछ ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आज तक आपने दी, हमारा इन्फॉर्मेशन कैसी जा रही है, बिल्कुल कभी सोने से नहीं, ये पहले तो हमें सोचे ही नहीं कभी सर प्रेयर कभी। किया या कुछ नहीं अच्छी बिल्कुल नहीं सर, इन्फॉर्मेशन दी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बस देखो आप
आप कभी महसूस करना, जो आप जो हम सोने से पहले थॉट हम अपने आप को दे रहे हैं कि यार हाँ जी, ये हो जाएगा, मतलब चल रहा है, बड़बड़ चल रही है हाँ मन में, चलता रहा है। वो ही सुबह बिल्कुल उठने एग्री उठते ही वही सब सब कुछ सामने आ जाएगा आपके, हूँ। और तभी सर पूरा अगर रात सुबह तो भी उठते खराब हैं हुई तो आपकी, सिर दुखता है। रात तो खराब हुई, सुबह उठते ही दिन भी खराब हो गया, बिल्कुल टायर्डनेस रहती है। बिल्कुल टायर्डनेस एग्री हूँ सर। रहती है। हाँ अभी सवाल पूछ रहे थे कुछ आप। अरे सर जैसे अभी सोने के था ये, मतलब अगर खाकर सोते हैं, जैसे अभी सुबह जल्दी जाना होता है तो शाम को लेट आते हैं, फिर एक मैं और पूछ रहा था भी खाकर, आपने कहा नहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर हम वॉक कर लें ये भी ठीक है हाँ सर, हाँ बिल्कुल, या यही शॉवर यही ले लें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शॉवर ले सकते हो आप, बिल्कुल यही स्टेप समय अपनाने पड़ेंगे कि सोने से पहले ओके अपनी बॉडी को आप बिल्कुल रिलैक्स कर लो, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, एडवाइजेज हैं आपकी, सारी साइड में कर दो, ओके उनका ठीक है सर। उतना ही यूज करो जो आपके काम की है, बिल्कुल उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, और आपकी एनर्जी जो ऐसी लग रही थी वो आपके अंदर सेव होगी, आप अपने आप को समझ पाओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो मैंने अपनी हाँ लाइफ जी में महसूस की है कि हाँ जी ये सारी चीजें तो हो गई, दूसरी चीज कि जब भी नींद खुल जाए सुबह तो वहां पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ओहो यार मुझे तो नींद पूरी नहीं आई है, मुझे तो 7 घंटे 8 घंटे चाहिए नींद, वो हमारे माइंड में एक थॉट, एक वहम की तरह, एक इल्यूजन की तरह घर कर गया है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि यार एक्सपर्ट्स जो हैं इसके, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो हमें 7 घंटे 8 घंटे रेकमेंड की है कि ये तो लेनी जरूरी है, वो वो पॉइंट थॉट है भी सर हमें ट्रिगर करता है। आपने दिल की बात कह दी, क्योंकि आजकल वो आपने देखा YouTube पे, और जैसे ही हम टीवी देखते हैं तो उसमें बोलते हैं 8 घंटे तो रिक्वायरमेंट है इसकी सोने की, रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, तो और जैसे ही हाँ जी हम सर उठे बिल्कुल और हमें पहला थॉट ये आएगा कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आपको कैसे सर पता? यही देखो प्रॉब्लम से चल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर देखो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी नींद आपकी खुल जाए उसमें आप अपनी एक्टिविटी कोई भी कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई आपका पेंडिंग काम पड़ा है तो काम देख लीजिए, कोई बुक पड़ी है तो बुक देख ओके लीजिए, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी ऑडियोज भेजी हुई है उनको ऑडियो सुन भेजी। हाँ लीजिए, बिल्कुल भी अपने उस काम को प्रोडक्टिव बना दीजिए, उस ओके नींद का बचाव कर लो, उसमें कुछ भी कर लो, और हो सकता है कि आप 15 मिनट बुक्स पढ़ी, जो भी ऑडियो सुनी, और आपका दोबारा सोने का मन कर दे, लेकिन आपने अपने आप को विचारों में डिस्टर्ब कर लिया कि ओहो ये हो गया, मुझे नींद पूरी नहीं हुई, मतलब आप अपने आप को हाँ सर नेगेटिव सोचता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन मैं। देने लग गए, नेगेटिव बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हो, खुल गई है तो खुल गई है, अब आप उसको थक्के से तो सुला नहीं सकते अपने आप को, हाँ फिर उसके बाद ट्राई करता हूँ धक्के से होने के, पर नहीं मेरी वो नींद नहीं चीजें आती सर। वेस्ट हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इतनी हाँ जी एनर्जी जो सुलाने में आप लगाते हैं, अगर वो कोई काम कर लें तो धीरे धीरे, मतलब अपने आप को देखो पॉजिटिव करने का तरीका एक, कि आप अपने आप को कैसी ठीक है कैसी इन्फॉर्मेशनों से भर लेते हो, ठीक है सर। जानकारियां कैसी, फिर कैसे कैसे विचार चलने लगते हैं, और एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डर लगने लग जाता है, फिर बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सुबह जी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो आप। फिर वो दिन सारा खराब जाता है। बिल्कुल जी हाँ तो सोने से पहले कुछ तैयारियां करना, नंबर एक बात, ओके ठीक नंबर बात है दो सर। हाँ कि अगर आपकी नींद खुल गई है तो उसके जी सर उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी आप इन्वॉल्व करो, और नंबर तीन कि ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स आप लेके आते हो कि ये हो जाएगा ये, तो वो हाँ नहीं जी आएंगे, वो सारे रुक जाएंगे, जब आप अपनी नींद को, जब खुल जाएगी उस समय को आप सही यूज कर लोगे, तो सिंपल सिंपल ठीक है तरीका सर। है ये, ठीक है सर, ठीक है? ये तो एक्चुअली तो पता भी नहीं था बिल्कुल, तो थैंक यू सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं समझना है अपने आप को, वो विचार नहीं देना है कि यार मुझे तो 8 घंटे नहीं आई है, 7 घंटे नहीं आई है, नहीं, जितनी आई है, क्योंकि देखो डियर मैं आपको एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बहुत सारे परसेंटेज, लाइक 90% बॉडी सारा काम
अपने आप करती है, हमें तो सिर्फ जी इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि अगर वो रिक्वायर करेगी खाने की तो हमें खाना देना है, जी हमें पचाना तो नहीं है ना, बिल्कुल हमें उसका ब्लड तो नहीं, नहीं बनाना ना, उसमें विटामिन मिनरल तो नहीं निकाल लेना, नहीं बिल्कुल नहीं। सारा सारा काम वो करेगी। हमने काम क्या किया, सिर्फ उसको देने का काम किया कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है, दैट सिंपल, और उसकी जरूरत है हम उसको दे रहे हैं। और अंदर क्या हो रहा है आपके शरीर में आपको पता है? कुछ नहीं पता हमें, किसी को भी। नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसको जितनी जरूरत है, अगर वो उस नींद नहीं लेना चाहती तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बस उसको उस समय को यूज करना सीख लो। यूज करना सीख गए ठीक है तो सर। आपकी नींद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी भी आएगी, जो नेगेटिव थॉट्स में एनर्जी बह रही है कि ये मेरे साथ ये होगा, ये नींद पूरी नहीं आई, मतलब नेगेटिविटी जो चल रही है वही नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप, मैंने बोला ना कि फोन में आप ऑडियो सुनो जो मैंने भेजी हुई है, हाँ जो जी बिल्कुल जी, वो सुनता हूँ, बुक्स जो मैंने, उससे काफी फर्क पड़ा सर, हाँ, तो उससे ये काफी कुछ फर्क पड़ा। देखो, लाइफ को पॉजिटिव करना पड़ता है, ठीक कभी होती है। नहीं है, अपने आप को भी होती नहीं है, सारा काम हमें करना पड़ता है। ठीक है। आप मुझे बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ कि जो अपने आप हो रही हो आपके लिए, बिल्कुल एक कुदरत को छोड़ करके, कि सांस लेना देखो अपना प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ ये अपना इसको छोड़ के, और बाकी सारा है। काम आप खुद करते हो। बिल्कुल जी। हम दोनों फोन पे बात करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि फोन अपने आप मिल गया हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ वो मिलाना पड़ता है ना, तो अपने आप जी को बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव करना पड़ता है, हेल्थ के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑल टाइप ऑफ, ठीक है? ओ तो ठीक है इस सर, बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने ठीक है सर, नींद के लिए तैयार होना है, और अपनी कौन ठीक है कौन सर। सी आप पॉजिटिव एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो, अगर खुल गई है तो उसके बाद क्या कर सकते हो, ये आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जैसे सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कई बार नींद अच्छी आ जाती है, जैसे हम 8 घंटे सो रहे हैं पर वो क्वालिटी नहीं होती नींद में, मतलब फिर भी बंदा टायर्ड रहता है सर। उसका कारण यही है कि हमारी इंफॉर्मेशन ट्रिगर करती रहती है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस थॉट, माइंड, ओके अनकॉन्शियस माइंड है, वो तो चलता रहता है आपके सोने के बाद भी। आपका ठीक है सर। ब्रेन, सारा कुछ, सारा प्रोसेस तो चल रहा है, आपका बॉडी सारा वर्क कर रही है आपके सोने के बाद भी, है ना? हाँ जी तो बिल्कुल सर, एकदम से ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, इसको प्रैक्टिस ठीक है सर, करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल कि करूंगा आप सर, ठीक अपनी है, कैसे तैयारी करते हो, अपनी बॉडी की ठीक है कैसे सर। केयर करते हो, है ना? अब हाँ आपको जी बिलीव नहीं बिल्कुल। करें, मेरा शेड्यूल ये है कि इंडिया के टाइम पे के हिसाब से, इंडिया में सपोज करो कि लोग, चलो मैं अपनी बात करूं कि 9-10 बजे सो जाते हैं ना, है ना, या सोने की तैयारी करते हैं या सो जाते हैं। हमारा जो ये इवनिंग का खाना है, ये 5 बजे 5:30 हो जाता है, तो मेरा डिफरेंस, मैं, मेरा सोने से पहले का डिफरेंस हो गया 4 घंटे। 5 है वैसे, लेकिन मैं 4 बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं 10 बजे सोऊंगा तो 5 घंटे हो गए, लेकिन मैंने आपको 4 बताया। और सो 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 सोने से पहले मुझे भूख लग जाती है, ठीक है? ठीक तो है सर। लेकिन भूख अगर से सर भी, हम जैसे एक और प्रॉब्लम है, जैसे वो भी पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप कह रहे हो कि 4 घंटे 3 घंटे पहले खा लो, तो अगर हम लेट सोते हैं तो उसमें अगर नहीं भूख लग रही है तो सर नहीं उसमें भी नींद नहीं आ रही नहीं मैं आपको मेरे नहीं सर। कह रहा, ये आपके लिए नहीं है ऐसा, ओके देखो ठीक है ये सर, मेरे लिए है, क्योंकि मैंने उस चीज ओके को ठीक वहां है, तक ले गया हूँ। अब ये एकदम से ओके आप आप थोड़ी कर जरूर तो हो पाओगे गए। ना, ओके हाँ आपके लिए तो जी, आधा मैं वही घंटा था। एक हाँ घंटा जी काफी है, ये ठीक है बात सर, आपके लिए नहीं, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया कि आप भी 4 घंटे 5 घंटे ठीक पहले करो, नहीं, है वो तो सर, मैं वहां तक बिल्कुल मैं ले समझ गया गया ना आपकी बात। आपको, आप अप्रूव करके सर वो कह रहे हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है सर, तो इस चीज को आप करो और डेफिनेटली हमें रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। हाँ, थैंक यू सर, ठीक है सर। और कोई बात आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं और तो यही मुझे बहुत इसकी बड़ी टेंशन थी, तो क्योंकि अगर नींद नहीं लेते एक तो नेगेटिव चलता रहता है, एक जैसे मीडिया से हम सोचते रहते हैं,
ये वो 8 घंटे बहुत जरूरी है, इससे अगर नहीं लोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, ऐसे होगा। तो थोड़ा सा फिर हम ज्यादा ट्राई करते हैं, पर नींद फिर भी नहीं आ रही। तो नहीं, मैंने आपको हर तरह से हर एक एंगल से बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इसमें साहब, लेकिन बिल्कुल। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन दोस्त हाँ जी, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए एक ही चीज होती है, वो है प्रैक्टिस, वो है साधना। देखो आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, वो हाँ आपको जी, एकदम से तो मिली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपने पढ़ाई की है ना, स्टडी हाँ जी की है, बिल्कुल बिल्कुल, एफर्ट्स किए हैं, हाँ जी टेस्ट सर, दिए हैं, बहुत हाँ जी कुछ सर, किया होगा हाँ आपने, जी सर, फिर ही आज हाँ जी सर, अपना कोई जॉब कर रहे हो या मैं अपना बिल्कुल काम सर, कर रहा हूँ कुछ भी, तो उसके बिल्कुल लिए सर, कुछ हाँ, करना पड़ता है, एक साधना, एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, बिल्कुल सर, है ना। नहीं तो ठीक है, बिल्कुल हाँ, सर, ज्ञान भी तभी काम आता है जब हम मेहनत करें, तो मेहनत करें, बिल्कुल सही है। नहीं तो ज्ञान व्यान सब ये झूठ है इसका कोई भी, क्योंकि ज्ञान भरे पड़े हैं सभी लोग ज्ञान से, हाँ जी लेकिन बिल्कुल, आगे वही आजकल तो निकलते हैं, वही सफल वही होते हैं जो कुछ करते हैं, पॉइंट है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे अब करने नहीं की बात है, कोई ज्ञान व्यान की बात नहीं चल रही, ठीक है सर, है ना। मैं आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो हम जैसे बहुत सारी हमारे फोन में ऐप इंस्टॉल्ड होती हैं, अच्छी डाइट कैसे लेनी है, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, सारी जानकारियां हैं हमें, ये बातें जो मैंने बताई एक्सरसाइज की, कुछ बातें आपको खुद को पता होंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ इसमें क्या है कि हम करते कितना है ना। ठीक है सर, अगर ज्ञान हमें 10% भी है, तो लेकिन अगर हमारे एफर्ट्स, करने वाले एफर्ट्स ज्यादा हैं, तो हम फिर भी सफल हो जाएंगे, चाहे वो हेल्थ सफल हो में है, जाएंगे, या बिल्कुल। हमारी जॉब में है, या किसी भी फील्ड में। आपने देखा होगा ठीक कि कम पढ़े लिखे लोग, जिनको ना इतना ज्ञान था, है सर, लेकिन कुछ करने वाले थे और कर गए वो। इसी बिल्कुल तरीके जी, से बहुत हर एक, है ऐसे। ये बात हर एक चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, चाहे बीमारियों में ले जाओ आप, या कुछ करने में ले जाओ, कि नहीं, आपकी आपने जॉब। अच्छी उदाहरण दी सर, ये बहुत बड़ी अच्छी उदाहरण है। हाँ, तो इनको हमने नहीं ट्रैक ठीक है सर, करना है। चलो ठीक बिल्कुल है सर, डियर, ऑल द ठीक है बेस्ट ठीक एंड गॉड है, ब्लेस हाँ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।